हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्पोर्ट गुरु जी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच है सुपर स्मैश का तीसरा मुकाबला, जो कि सेंटरबरी और वेलिंगटन के बीच में कल सुबह 8:40 पर क्रिस्ट चर्च के वेन्यू पर खेला जाएगा। इसकी ड्रमन टीम, साथ ही बात करेंगे 8 इन्फ्री फैंटेसी ऐप की टीम। अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, इसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारा जो है रेफर कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको साइन अप बोनस मिल जाएगा। इस ऐप के बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते तो आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, चाहे प्लेइंग 11 हो या टॉस का कोई भी इन्फो हम आपको देते हैं, सीधे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। वहाँ पर हम आपको काफ़ी कुछ अपडेट कराते रहते हैं, जिसका लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पर जाकर रॉयल स्पॉट गुरु जी सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर मेरा चैनल दिख जाएगा। आप वहाँ से भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहां से इन दोनों ही टीमों का पिछला मुकाबला देखोगे तो अभी तक फ्रेंड्स इस सीजन इन्होंने मुकाबला खेला ही नहीं, इनका पहला मुकाबला है। तो पिछले सीजन इन्होंने अपना जो पिछला मुकाबला है वो एक दूसरे के खिलाफ ही खेल कर आए हैं, जहां पर फ्रेंड्स सेंटरबरी ने वेलिंगटन को 7 विकेटों से हराया था, जिसे वेन बेक के 18 नाबाद और 1 विकेट, रविंदर के 1 विकेट, वहीं सीटीबी की टीम की तरफ से बॉयस के 72, एलिस के 23 नाबाद और मेकोन्ची ने 3 विकेट निकाले थे। ये कुछ प्लेयर फ्रेंड दोनों ही टीमों की तरफ से जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में अच्छा किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस मैच पर ना जाने स्मॉली भी यहाँ से मैकेंची को बहुत लोग क्यों ड्रॉप कर, मुझे पता नहीं फ्रेंड, लेकिन ये आपको बैट और बॉल दोनों के साथ इस वाले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आप जो इस प्लेयर को बिल्कुल ही ड्रॉप मत कीजिएगा, चाहे स्मॉली की टीम से हो या ग्रैंड लीग की टीम से हो। बाकी इनके बारे में हमने आपको रिकॉर्ड आगे बता ही रखा है। अगर आप यहाँ से वेन्यू पिच स्टैट देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कितना भी रन हो आसानी से चेस हो जाते हैं। बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है, जो भी टीम टॉस जीतेगा फर्स्ट बॉलिंग करने का फैसला लेगा प्लस चेस करना चाहेगा। लेकिन फ्रेंड, जैसे ही फर्स्ट बॉलिंग करती है कोई भी टीम, वहाँ पर आप जो उनके पेसर से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ग्रैंड लीग खेल तो आप उनमें से किसी एक मेन पेसर बॉलर को ग्रैंड लीग में कैप्टन ही बना सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पिछला हैट्रिक एनकाउंटर देखोगे, ये वाला हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर सिटीबी ने वेलिंगटन को 7 विकेटों से हराया था। अब बाकी फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से एक और हैट्रिक स्टैट देखोगे, जिसमें वेलिंगटन ने सीटीबी को 65 रन से हराया था, जिसमें ब्रिसवेल के 69, कॉनवे के 25, जेब पटेल के 2 विकेट और बोनेट ने 2 विकेट निकाले थे। वहीं सीटीबी की टीम की तरफ से मेकोन्ची के 83 और 1 विकेट। जैसा कि मैंने आपको बोला फ्रेंड, मेकोन्ची काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, लगातार आपको बैट और बॉल दोनों के साथ अच्छा करते तो दिखाई देंगे। वहीं पिछले सीजन में काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए थे, तो आप जो है इनको बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा, चाहे अपने स्मॉल लीग की टीम से हो या ग्रैंड लीग की टीम से हो। वहीं फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने चैनल के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि 5 स्टार प्लेयर को लेकर के कौन से 5-5 प्लेयर हैं दोनों टीमों की तरफ से, जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं, प्लस आपको इस वाले मैच भी अच्छा खासा करकर देने वाले हैं। उसमें फ्रेंड्स सीटीबी की टीम की तरफ से बॉयस काफ़ी अच्छे प्लेयर है, आप इनको बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा। वहीं अगर सीटीबी की टीम सेकेंड बैटिंग करती है तो आप यहाँ से इनके साथ एज अ कैप्टन भी जा सकते हैं। बाकी में कौन सी आपको बैट और बॉल दोनों के साथ अच्छा करते दिखाई देंगे, वही मर्दोच हैं, एलिस हैं। फ्रेंड्स, एलिस भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अगर टीम चाहे तो इनको साथ ओपन भी कराया जा सकता है। वही अपने कोटे का पूरे पूरे आपको 4 ओवर बॉलिंग करा कर देंगे, तो काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले हैं। वहीं यहाँ से न्यूटल को भी काफ़ी लोग मिस करने वाले हैं स्मॉल लीग के लिए। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग खेलते तो आप इनको ट्राई करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वहीं वेलिंगटन की टीम की तरफ से कॉनवे फ्रेंड काफ़ी अच्छे प्लेयर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले सीजन इन्होंने एक जो है नॉट आउट का हाफ सेंचुरी भी लगाया था। बाकी निशा आपको बैट और बॉल दोनों के साथ अच्छा करते दिखाई देंगे। वहीं रविंद्र और पटेल आपको लगातार विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे। बाकी यहाँ से ब्रेसवेल भी हैं, तो आप यहाँ से कोशिश कीजिएगा कि 10 में से करीब 8 या 9 प्लेयर इस वाले मैच में आपकी स्मॉल लीग की टीम में जरूर हों। वहीं अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पॉसिबल 11 देखोगे तो आपको फ्रेंड सेंटर बर्गी के तरफ से इलिस और बॉयस ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ से इलिस को तो फिक्स नहीं कहूँगा, लेकिन बॉयस आपको 100% इस वाले मैच में ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ से अजय बॉयल को सी बॉयस के साथ में ओपन कराया जा सकता है। बाकी टॉस का कोई भी इन्फो आता है प्लेइंग 11 को लेकर हो या बैटिंग ऑर्डर को लेकर हो, तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ से मर्दोस हैं, मेकोन्ची हैं, कार्टर हैं, बॉयल हैं, डेबी हैं, फ्लैचर हैं, न्यूटल हैं, सीप्ले हैं और वीर विलियम्स हैं।
मेरे हिसाब से जो पॉसिबल 11 निकल कर आया है सेंटर बरी की तरफ से वो यही रहेगा फ्रेंड्स। बाकी कोई भी चेंजेस होता है तो जैसा कि मैंने वो बताया, हमारे टेलीग्राम पर काफ़ी कुछ अपडेट हम कराते रहते हैं, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी वेलिंगटन की टीम की तरफ से आपको ब्रेसवेल और पोलार्ड ओपनिंग करते दिखाई देंगे। मैं बता दूं फ्रेंड, पोलार्ड कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हैं। अगर टीम चाहे तो वेलिंगटन की तरफ से पोलार्ड आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग कराते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। बाकी आप ग्रैलिंग ट्राई करना चाहें तो ट्राई इन्हें कर सकते हैं ऐसा ऑलराउंडर। बाकी यहाँ से कॉल्सन है, कॉनवे हैं, गिब्सन है, नीसम है, बेनेट है, न्यूटन है, पटेल हैं, रविंद्र हैं और वैन बेक हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से स्मॉल लीग में किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें 4 में से किसी दो के साथ जाइएगा। फिर ज़्यादातर लोग इन्हें 4 में से किसी दो को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करेंगे, तो आप ही कोशिश कीजिएगा कि आपका भी जो कैप्टन या वाइस कैप्टन हो इन्हीं 4 में से कोई दो हो, जिसमें सिटीबी की टीम की तरफ से एलिस जो बैट और बॉल दोनों के साथ आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर मैकॉन्ची भी हैं, वहीं वेलिंगटन की टीम की तरफ से ब्रेसवेल है और जिमी नीशम है। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं 6 टीम के साथ तो आप इन प्लेयर को बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा, चाहे स्मॉल लीग के ग्रैंड लीग के लिए हो। बाकी आप चाहें तो इनको इनके साथ एज अ कैप्टन भी जा सकते हैं। अगर आप 6 टीम के साथ खेलते तो आप इनमें से 1 या 2 प्लेयर को अपने किसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, जिसमें सिटी बी की टीम की तरफ सी फ्लैचर है, मर्दोस है, बॉयस है। अगर फ्रेंड्स कैप्टन यहाँ से जो सेंटर बरी की टीम में सेकंड बैटिंग करती है तो आप आंख बंद करके यहाँ से बॉयस को एज ए कैप्टन बना दीजिएगा अपने किसी एक टीम में, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर चेस जब ये करते हैं काफ़ी अच्छा कर खेलते हैं। बाकी वेलिंगटन की टीम में तरफ रविंद्र हैं, जे पटेल हैं और पोलार्ड हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या हो सकती है हमारी दोनों की टीम। वहीं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ड्रोन टीम जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इन्फिनिटी फैंटेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर साइनअप कैसे करते हैं, कितना आपको साइनअप बोनस मिलेगा, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह आपको अदर फैंटेसी साइट पर नहीं मिलेगा उस तरह फीचर्स आपके पास मिलने वाले, जैसे 100% बोनस को लेकर है। आप यहाँ पास 13 रुपीज़ का लीग ज्वाइन करके यहाँ पास अपना जो बोनस है उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अगर आप बहुत दिनों फैंटेसी जो ऐप चला रहे हैं या खेल रहे हैं, तो आपके सामने यहाँ से कुछ और अच्छे अच्छे लीग आएंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स हेड टू हेड के लिए 3 मेंबर 4 मेंबर के लिए भी काफ़ी अच्छे यहाँ पास कॉन्टेस्ट रखे गए। अगर आप हेड टू हेड खेलना चाहते आप यहाँ पास हेड टू हेड खेल सकते हैं। कमीशन आपको उतना ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा जितना अदर फैंटेसी साइट पर देना पड़ता है। वहीं अगर आप यहाँ से इनका टीम मेरा जो टीम है यहाँ पर जो रहेगा वो अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स ये हमारा जो टीम रहने वाला है एट इन्फिनिटी फैंटेसी ऐप पर, टीम कॉपी करोगे या आप फ्रेंड्स यहाँ से इसी टीम के साथ इस ऐप पर जाना चाहोगे तो फ्रेंड्स ये मेरा जो डेमो का टीम यहाँ पर मैं अपना जो कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों को चेंज कर सकता हूँ। और वहीं बता दो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो 4 ऑलराउंडर सेलेक्ट नहीं कर सकते, इससे जो हमारा ड्रीम टीम रहेगा इससे काफ़ी जो है भिन्न रहेगा, काफ़ी डिफरेंस रहने वाला है हमारे ड्रीम टीम में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको अपनी ड्रीम की टीम भी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल का हमारा जो एच इन फ्री फैंटेसी ऐप पर टीम रहेगा, तो चलिए एक बार ड्रीम की टीम भी देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो मैंने यहाँ से कॉनवे को पिक किया हुआ जो कि आपको 4 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देगा वेलिंगटन की टीम की तरफ से। बाकी फ्रेंड्स आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिनको आप स्मॉल में ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग खेल तो आप यहाँ से फ्लेचर के साथ जा सकते हैं। इनका जो बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं रहता, कभी भी इनको ऊपर प्रमोट किया जा सकता है हाजरिंग करने के लिए। बाकी इनका जो मेन पोजीशन लगभग 6ठे नंबर पर है, तो आप जी स्मॉल लीग में तो इनको ट्राई मत कीजिएगा, बाकी ग्रैंड लीग में आप चाहें तो इनके साथ जा सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स यहाँ से टॉम लेथम ब्लंडल अवेलेबल नहीं है, आप इनको पिक मत कीजिएगा। वहीं अगर पिक कर भी चुके हो तो आप जल्दी से इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। बैटिंग सेक्शन से मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया हुआ जिसमें सी बॉयस हैं जो कि आपको इस वाले मैच में ओपन करते दिखाई देंगे। वहीं मैंने यहाँ से मुर्दोस को पिक किया जो कि 1 डाउन आएंगे सिटी बी की टीम की तरफ से। वहीं फ्रेंड्स मैंने यहाँ से ब्रेसवेल को पिक किया हुआ जो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, पिछले सीजन काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए थे, जो कि टीम का कैप्टन भी है, प्लस आपको ओपन करते दिखाई देंगे वेलिंगटन की तरफ से। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको कि यहाँ पर आसानी से चेस हो जाते हैं, इसलिए अगर सिटी पी की टीम सेकंड बैटिंग करती है तो आप यहाँ सी बॉयस साथ ग्रैंड लीग कैप्टन जा सकते हैं। वहीं अगर वेलिंगटन की टीम सेकंड बैटिंग करती है तो आप यहाँ से ब्रेसवेल के साथ भी जा सकते हैं एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग में। बाकी आपको जो चॉइस रहेगी अपनी रहेगी। वहीं फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से किसी और को प्लेयर को पिक करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हेनरी निकोलस
प्लस आपके यहाँ से फ्लैचर अवेलेबल नहीं है, अगर आपने इनको ड्रॉप नहीं किया ड्रॉप कर दीजिएगा कि आपको इस वाले मैच खेलते नहीं दिखाई देंगे। ऑप्शन की बात करें तो आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स बॉयल का, इनके जो बैटिंग पोजीशन है पूरे पूरे एलिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एलिस ओपन करें तो ये आपको लगभग 5 नंबर पर, वहीं फ्रेंड्स अगर एलिस ओपन नहीं करते तो ये आपको ओपनिंग करते दिखाई दे सकते। बाकी जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा सिटी बी टीम का, टॉस के बाद हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, वहीं पर आपको इनका बैटिंग ऑर्डर प्लस टॉस अपडेट मिलता रहेगा। बाकी फ्रेंड्स नीचे से ऑप्शन है आपके पास गिब्सन का, पोलार्ड का जो कि ओपन करेंगे, वहीं फ्रेंड्स नीचे से ऑप्शन आपके पास एल कार्टर का, ये सब ग्रैंडली के लिए ऑप्शन चाहें तो आप स्मॉल लीग में यहाँ से एम पोलार्ड को पिक कर सकते हैं जो कि ओपन करेंगे वेलिंगटन टीम की तरफ से। बाकी जो गिब्सन है और यहाँ से जो एल कार्टर, इनको आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 4 ऑलराउंडर को पिक किया हुआ फ्रेंड, जिसमें जेमी निशा है जो कि बैट और बॉल दोनों के साथ आपको अच्छा करते दिखाई देंगे, लगभग 6 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। एलिस हैं जो कि ओपन कर सकते हैं सीटीबी की टीम की तरफ से, साथ ही अपने कोटे का पूरे पूरे 4 ओवर आपको बॉलिंग करके भी देने वाले हैं। वहीं मैं कौनसी की बात करें, आपको 4 नंबर पर बैटिंग करते दिखाई देंगे सीटीबी की टीम की तरफ से, और अपने कोटे का पूरे पूरे 4 ओवर आप बॉलिंग कर भी देंगे। इसलिए आप जो है यहाँ से मेकोंचे और एडिस को बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा, चाहे स्मॉल लीग की टीम से हो या ग्रैंड लीग की टीम से हो। बाकी मैंने रविंद्र को एज अ बॉलर पिक किया हुआ है, अगर आप इनको एज अ ऑलराउंडर पिक करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर दीजिए अभी से, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इनको एज अ बॉलर पिक किया हुआ है, एज अ ऑलराउंडर पिक नहीं किया है। बाकी यहाँ से एस्टल अवेलेबल नहीं है, आप इनको पिक मत कीजिएगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शन सीप्ले का आप चाहें तो इनके साथ जा सकते हैं क्रेडिट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्रेडिट का आपको प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप बड़े बड़े प्लेयर को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से चाहें तो क्रेडिट मेंटेन करने के लिए यहाँ से एलिस को ड्रॉप करके यहाँ सीप्ले को भी पिक कर सकते हैं, भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, आपके लिए ग्रैंडली के लिए मस्ट पिक रहना चाहिए। वहीं बॉलिंग सेक्शन से मैंने 3 बॉलर को पिक किया हुआ, जिसमें जतिन पटेल हैं, वेक हैं जो लगातार अच्छे फॉर्म में दिखाई देते पिछले सीजन। वहीं नीचे से मैंने यहाँ से क्रेज मेंटेन करने के लिए डाबी को पिक किया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ टी वेन वेकहम जो है अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप इनको पिक मत कीजिए, बहुत सारे लोगों ने इनको पिक किया हुआ, ये आपको इस वाले मैच में खेलते तो नहीं दिखाई देंगे, तो आप भी हो सके तो इनको जल्दी से ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप ऑप्शन देखो तो आपके पास ऑप्शन है बेनेट का, न्यूटन का, ये दोनों आपको खेलते तो दिखाई देंगे वेलिंगटन की तरफ से। बाकी यहाँ से हैंनरी अवेलेबल नहीं है, सीआर से अवेलेबल नहीं है, यंग्स बंस्ट अवेलेबल नहीं है, आप इनको पिक मत कीजिएगा। नीचे से आपका 2 अच्छे ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए हो या ग्रैंड लीग के लिए हो, एक तो फ्रेंड्स न्यूटल का आपको मस्ट पिक रहना चाहिए ग्रैंड लीग के लिए, बाकी स्मॉल लीग में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और दूसरे यहाँ से विलियम्स का है जिनको आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में पिक मत कीजिएगा। वहीं अगर आप यहाँ से हमारा फाइनल टीम देखोगे तो हमारा फाइनल टीम फ्रेंड जिसमें कॉनवे हैं, ब्रेसवेल हैं, सी बॉयस हैं, मर्दोस हैं, जिमी निशम हैं, रविंद्र हैं, एलिस हैं, मेकॉन्ची हैं, जे पटेल हैं, वेनवेक हैं और एस डेवी है, ये हमारा फाइनल टीम रहने वाला है ड्रोन में। बाकी फ्रेंड कोई भी चेंजेस होता है तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करा दिया जाएगा, जहाँ पर हम टॉस के बाद कैप्टन वाइस कैप्टन प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो जल्दी से जाइए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर आपको जो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट डिमांड टीम के साथ में।